समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गूपणिया बे अर्जुन बेबा, एक समय का दिन बड़ा और एक समय की राय, समय कोई समय की कभी जहा नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कभी। कवि ने लिखा समय समय की कीर्ति और समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा और कोई समय की रात। इतना दिन पहली गर्मी पड़े जड़ तो कहवा गर्मी चलाओ, एसी चलाओ, पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, और अब सर्दी बढ़ गई तो सब हृदयंग ध्यान देंगे, ज्ञान ही सर्दी पड़ी तो सब हृदय संभाल बाहर जागना है तो जागने का मन आई तो क्या, लेकिन पहले हृदयंग ध्यान रखेंगे रात ने शिया बुरा तो समय समय की कीर्ति और समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा और कोई समय की रात। समय कभी लिखे गए और जब समय है इस समय के अनुसार इस जितनी भी सृष्टि अपनी पृथ्वी है और जितना भी पृथ्वी पर मनुष्य है, जीव है, जंतु है, वहां कोई समय के अनुसार ही भाग्य बदले। कुछ समय पहले इनको समय आयो कि बड़ो कोरोना काल छा गयो, बड़ा रोग खत्म हुआ है, तो समय जब आपको प्रकोप दिखावे। कभी लिखे हैं अरे कदे कदे गांतड़ा सुन सिंह हार जावे, कदे कदे गांतड़ा सुन सिंह हार जावे, समय को भरोसो बोली समय साथ में बुरो समय भी आयो। हो गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे,
गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। सिया राम जी वन में जावे किस्मत बड़ी आवे ओ, सिया राम जी जंगल में जावे किस्मत बड़ी आवे। सियाराम जंगल में जावे बाकी किस्मत पलटी खावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे, अरे समय को भरोसो कोनी भाई कत पलटी मार जावे। राजा दशरथ जी आ अयोध्या नगरी का चार संतानी राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, राजा के चार संतानी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, लेकिन समय यान को कि राजा दशरथ जी के चार पुत्र होते हुए भी जब अंत काल अंत समय आया उस टाइम के मायने एक ही लड़को नजदीक नहीं हो राजा। आज आपने बूढ़ा माइट है या कोई भी बुजुर्ग आदमी है बीमार हो जावे या जाने की पोजीशन में आ जावे तो आपका कहीं क्या कि भाई एक दो ने तो नजदीक रहना है, इसी नहीं वजह आपा नहीं रहो खत्म हो जावे। आगे कभी लिखे हो राजा हरि चंद राणी तारावती रुई तज कमर कहवे, राजा हरि चंद राणी तारावती रुई तज कमर कहवे, के सो खेल रचुरी बीता ताती खेल रचोरे पिता का तीनों ही बिक जावे। अरे एक फंकी करे एक ब्राह्मण करे, एक फंकी करे एक ब्राह्मण करे, एक कुपता कर जावे। समय को भरोसो को नहीं कत पलटी ही मार जावे।
राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती राजा हरिश्चंद्र कोई प्रकार की कमी नहीं राजा के, लेकिन यदि समय को प्रभाव राजा भी पढ़े उन टाइम के मायने राजा राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती रोही ताज कंवर कहावे अरे केसो खेल रचो विदाता तीनों ही बिक जावे एक बंगी कर एक ब्राह्मण कर और एक वेश्या कर जावे समय को भरोसो को नीरे भाई कत पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र खुद बिके आपकी रानी ने बेचे और आपका लड़का ने बेचे खुद बंगी के करे नौकरी कराए और आपकी रानी तारावती एक गुप्त वेश्या के करे काम करे तो इस समय का प्रभाव आगे किन पे पड़े हो क्या मैं हो राजा भरत रानी पिंगला मेलो में सुख पावे राजा भरत रानी पिंगला मेलो में सुख पावे शिकार खेलने चलो भरत राजा भरतरी हो राजपाट हो लेकिन राजा जब जन्मे हो उन टाइम के मायने तीन चीजों को मना करोड़ो राजा भरतरी ने के राजा कभी भी उत्तर दिशा के अंदर शिकार खेलवा के वास्ते आप मती ना जाओ और अगर उत्तर दिशा में शिकार खेलवा भी जाओ शुभ्र घोड़ी पे नहीं चढ़ना है। शुभ्र घोड़ी पे अगर चढ़ जाओ तो उत्तर दिशा में शिकार खेलवा के वास्ते नहीं जानो है। उत्तर दिशा में अगर शिकार खेलने राजा आप चला भी जाओ तो काला मृग को शिकार नहीं करना। लेकिन राजा नहीं माने और तीनों इस काम करे सुपर घोड़ी पर चढ़े उत्तर दिशा में शिकार खेलवा के वास्ते जावे काला मृगा ने भी खत्म करे मृगा ने खत्म कर जब राजा भरतरी वापस महल की तरफ आवे बाबा गोरखनाथ जी महाराज सामा भी जावे और के मेरी पापी हत्यारा दुष्टि लाखों मर के में एक मर को भी ने तू खत्म कर दियो। राजा भरतरी बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने कहे राजा बोले बाबा जी इमरका ने आप सरजीवन करो नहीं तो थाने भी मैं खत्म करूं एक बाण और है मार का। बाबा गोरखनाथ जी महाराज एक धूल की चिमटी पर भी मरगा पर डाले मर को सरजीवन हूं और मर के मैं चलो जावे तो राजा मन में विचार करे कि मैं भी भक्ति करूं गुरु महाराज के चरणों में पड़ जावे और गोरखनाथ जी महाराज ने कहे महाराज ये गुरुदेव आप मने चेलो बनाओ। गुरु महाराज कहे चेलो जत बनाओ जद तू थारा मेल में जावे और रानी पिंगला जो थारी पत्नी है रानी ने जा और माँ की भिक्षा ले रहे तो राजा तन में चेलो राजा भरतरी आपका मेल में जावे और रानी पिंगला ने माँ के वे और बटू भिक्षा ले रहे जोग धारण करनी आगे कभी लिखे हो गुरु की बाणी प्यारे बंदे बरसावे राम
सुमर ले सुमिरन कर ले क्यों तू मात की हरिद्वार हर की पेड़ा की पुलिस पुष्कराज महाराज की बोल गंगे मात की आया ही सुन जाएगा और राजा की फकी एक सिंहासन बैठ चले सब एक बने संजीव मन मराना ममता मरी मर मर गयो रे शरीर आसात्र सिनाना मरी यूं कहे गए संते कभी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले सब एक बंधे जंजीर आया है उसे जाना जाना ही जाना है। देखिए संसार में सभी झूठी और फरेब व्यर्थ की बातें हैं लेकिन सत्य एक चीज जरूर है कि जिसने भी जन्म लिया उसे मरना भुगतना ही है। एक दिन आज हमारे मासा जी की फोटो लगी काल अपनी भी फोटो लगी क्योंकि मनुष्य नाशवान है। जिंदा वही रहेगी जो आंखें बंद करने के बाद में अपन गाय दिखाई दे कुछ भी नहीं फिर कोई नहीं है। आंखें बंद करने के बाद में कुछ भी नहीं दिखाता ये अंधकार अंधकार ही रहेगा। बाकी सभी चीजें धरती है पृथ्वी है सूर्य तारे किरणें जितनी भी है नष्ट हो जिंदा कुछ भी नहीं बचे। और एक बड़ा संचय आज इतने इतने बड़े डॉक्टर हैं विद्वान हैं वैज्ञानिक हैं साइंटिस्टिक हैं लेकिन सब चीजों को पता लगा लियो पूरा ब्रह्मांड को पता लगा लियो कि इकट्ठा कहीं कहीं चीज है
लड़का उसी की लड़की उसी भी को भी पता लगा ले कठो टूट जावे किडनी ट्रांसफर करनी है पैसा लगे लेकिन बाबी आंख फूट गई दूसरी फिट कान को पड़ता गई और दूसरो फिट दांत टूट गया तीसरी तैयार है। लेकिन बड़ा संचय ये है कि जब मनुष्य खत्म मर जाता है उसके बाद में कहां जाता है इस बात को बताओ। अरे एक चीज का पता लगा चुके हैं लेकिन ये पता नहीं लगा चुके हैं कि जब मनुष्य चला जाता है खत्म हो जाता है उसके बाद में वो जाता कहां है ये बड़ा रहस्य है। कभी नहीं लिखा कि जीवन कैसा है जीवन जिन प्रकार किसी मकान में किराएदार आए एक साल 12 महीना 2 साल को एग्रीमेंट लिखे कि सब भाई साहब 2 साल रहो 2 साल के दो साल का एग्रीमेंट हुआ 2 साल खत्म होते ही पैसा मकान खाली करिए घर में आपने मेहमान आवे एक रात 2 रात 3 रात रुके तिलका जो जवारी दी लो भाई साहब जवान नवाब साहब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आवे 10 मिनट 1 घंटे रुकी वापस रवाना यानी कि मनुष्य आता है और चला जाता है। तो कभी नहीं लिखा कि भाई जिंदगी एक जिंदगी एक किराए का घर है वो जिंदगी एक किराए का घर एक न एक दिन बदलना पड़ेगा लेकिन आखिरकार होना क्या है मिट्टी ही होनी है
वो मिट्टी में दफना रहे हैं, तो इधर जल के राख हो रही हो तो मिट्टी रही है, तो कभी नहीं लिखा। अरे कहीं मिट्टी में तुरबत बनेगी, कहीं मिट्टी में तुरबत बनेगी, कतरा कतरा पिघल
लिंग मात की, हरिद्वार हर की पेड़ी की, बोली जाने वाली स्वर्गवासी आत्मा की जय। तीन भजन, दो भजन, हेलो बोले गंगे मात की, कबीर काछी, कबीर काछी देह का, और मुझे परो वो आज मसा कबीरदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर रचना लिखी, कहा कबीर काची देह का मोहे भरोसा नाय, अरे कल देखा बाजार में वे आज मसाना। काल तो यार लाग रही यार, काल तो राजी खुशी आज का ही बचा लेके हैं, काल तो यार मठे देखे आया या कोई क्यों, काल तुम्हारा फोन भी करे हो, काल इतनी बजे फोन चालू, व्हाट्सएप भी चालू हो, लेकिन चार बजे तो भाई ये तो काया है, सांसों का क्या भरोसा, चल जाए रुक, चल रुक जाए, चलते चलते क्योंकि ये सांस है आवे और कोनी भी आवे। तो कभी लिखे शायद मन की जो आशा है वो कभी नहीं, मन मरा न ममता मरी, मरमर गयो शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरे यू कह गए संत कबीर। मन मन में बड़ी दिल्ला से आशा रहती है वो कभी नहीं मरती, मन में रहे कि भाई मैं आज वो कर लू, काल वो कर लू, वो कर लू, और मन में बड़ा भाव रहे। तो कभी कहे कि जो आत्मा खत्म हुए इकट्ठे जावे इकट्ठे नहीं जावे, विदेश चले जाओ तो फोन भी कर दे साहब मैं पहुंच को हूं, लेकिन ये कौन सा ऐसा देश कोई भी पतो नहीं लगा सके, कभी नहीं लिखा, बड़ी सुंदर रचना है। चिट्ठी ही ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा चाहा तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश
जहां तुम चले गए, कहां चले गए, इसी दिल पे लगा कर दे जाने वो को संदेश, कहां तुम चले और कहा साईं रुक
जाने वो कौन सा बोली गंगे मात की बोली जाने वाली स्वर्गवासी आत्मा की बोले गंगे मात की जय हो। संत महापुरुष लिखे के 84 लाख योनि है जिसका वो एक योनि आदमी आपके जीवन काल में मत नष्ट कर सके। बिना सत्संग में आ और अगर जयकारो लगावे तो एक योनि एक योनी जी की मिले बा खत्म हो जावे। बा है ऊंट की, ऊंट की जोनी जे जे बोले नहीं ने जन पचमिन काई करे अगला जन्म ऊंट मनार पचमिन ऊंट ने बैठा भगवान से किया कि जे तो वो ऊंट नहीं बनदो ने जो को आदमी जे बोल। हां नहीं तो वो ऊंट नु बनना पड़ा। बोली स्वर्गवासी आत्मा की चलो कि थारा दुनिया दुनिया गावे गी कबीर लासी कितनी सुंदर बात लिखी। ओ मेलो संसार को उठे आवण जावण री रीत अरे ऐसी करनी कर चलो कि थारा दुनिया गावे गीत। कोई भलो मनुष्य चलो जावे प्राणी चलो जावे तो आपा कितो दुख हुए आसपास कॉलोनी वाला ने गांव वाला ने समाज बंधुआ ने जिता भी रिश्तेदार है और वो ये कमीना आदमी खत्म हुए पापी दुष्ट आदमी हुए तो क्या पाप घटे भूत घटिया घटिया रोजिना पावाले पीछे मांग माने कहीं कहने को मतलब है वो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले बार बार बड़ो दुर्लभ है कि मनुष्य जीवन मिले। आपा जितना भी देवता है वे देवता भी मन में आ करे है कि मन अगर मनुष्य जन्म मिल जावे ना तो मैं जिसको आणो जानो वो खत्म कर लेगा। बड़ो दुर्लभ है लेकिन आदमी को विचार सोच विचार करो फिर बड़ो कठिन है कि यार कहीं अगला जन्म में पास आदमी मना ला तो कोई बूढ़ा डोगरी बूढ़ा उठवा और जाने को जब समय आयो तो भगवान का जो भी यमदूत है लेजे वाला बैठे आया भगवान आया। डोगरी नार बोलियो लियो माता जी तैयार हुआ आज लिस्ट में नाम था कोई है आज लिस्ट में नाम
आपको आगे और रवाना हुआ। डोगरी भगवान ने अरदास करी, हे भगवान डोगरी ने पत्तो चाल को ले जा वाला तो आ गया राज जानो फुकता है। हाँ जोड़ भगवान करुणा करने लगी, बोले भगवान थोड़ी सी का मन मोलकत दे देवो तो मैं थोड़ी सी मर परिवार वालों तावड़ी तो कर लियो जानो तो है और ले जा बना आएगा तो कहते आप लेर भी जाओ लेकिन थोड़ी सी मैं थोड़ी मारी छोरा छोरिया हूँ नड़तिया हूँ बातें कर लियो मन समझ आ तो कभी बड़ी सुंदर रचना लिखी लेकिन जानो जरूरी है और पुख्ता है तो कभी लिखे हुसन तो सुरगासु ए सजनो सुरगासु आयो रे संदेशी अरे बुलाओ आयो राम को सदना सुरगासु आयो रे संदेशी बुलाओ आयो भगवान एक मिनट रुको थोड़ा सा हमारा है दो छोरा है तीनू मीनू समझाती हूँ बदमाशी करेगी केवे एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटा बदमाशी नहीं करना देखो चार पिस्टोल भरेड़ा है और अलबारी के मां ने थोड़ा घना पैसा पड़ा है लाख दो लाख रुपया है लड़नो झगड़नो नहीं है मैं तो चालू सुरगा और लड़नो नहीं है राजी राजी था का बांटर ले लीजिए अब बोले डोगरी कर ली बात बोले एक मिनट और दे थोड़ी हमारी बीनड़िया ने समझा दू क्योंकि काल ने छोटा पकड़ पकड़ खींच के लड़ी आने समझा दू केवन लगी डोगरी एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं बहु एक
डोगरी आपकी बहुआ बुलावे और कहे देखो मैं तो अत्या दिन तक ये परिवार में बड़ो बांध रखियो एक कर रखियो थाने भी लड़नो झगड़ो नहीं है और मैं तो अब सुरगा चला लेकिन परिवार ने थाने बांध रखो है बहुआ तो टीका के कत मरे और कत सेठानी बनो सासू जी के प्रकट लव हम लागे रे लेकिन एक मिनट प्रभु एक बार एक मिनट और दे तो मैं थोड़ी सी बेटी हूँ बता उड़ी कर लू आपकी बेटी ने क्यों लागे अरे एक मिनट प्रभु देर करो तो करूं बेटी सुबा भरे लो थारो भाते बुलाओ आयो राम को रे सजना सुर का सुआयो रे संदेशी आयो रे संदेशो रे बुलाओ आयो बोले प्रभु जी एक मिनट और दे तो थोड़ी सी पोता आने भी बात कर लो एक मिनट प्रभु देर करो तो करो पोता सुबा एक मिनट प्रभु देर करो तो करो पोता सुबा चलो बोले प्रभु जी देखो इतना जनाऊ तावड़ी करी इतना जनाऊ बात करी तो थोड़ी घड़ी तुम्हारा डोगरा भी तो ताई कर लू बेटा पोता हूं भाऊ सब करी तो थोड़ी सी डोगरा नहीं तो ताई करूं केवन लगे अरे एक मिनट प्रभु देर करो तो करू पति सुबा बुलाओ आयो राम को इस सजना
पुलिगंज की बात की, हरिद्वार हर की पीड़िया की। एक भजन और गली भाई साहब ने, फिर आपको नंबर। नहीं नहीं कोई डोगरी भाऊसा, डोगरो डोगरी आपस में हताई करी, डोगरी क्यों मैं मर जाऊं ने जना। ओ बलदेव नगर बालाजी नगर सारो रोई, क्यों मैं मर जाऊं ने जन, क्यों सारो ठेगड़ो रोई, अजमेर रोई, डोगरो क्यों क्यों क्यों। देखो इन वास्ते रोवे के मैं, जद भी कोई के दुख तकलीफ हुई तो मैं हर घर के माने गई। जात विवाद नहीं देखियो, क्या वो फलाना जात को है, वो अड़की जात को है। जद भी कोई के दुख कष्ट पड़ियो तो मैं सबके घर गई और सबके काम आई हूं। दो रुपया हूं ले और मारा शरीर हूं ले, डोगरो क्यों क्यों खाली अजमेर क्यों 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 बंदो अगर जिनाट जाए ना, तू तो अजमेर हो अकेली सिटीर मन, पूरा अजमेर जिलो पूरा जिलो डोगरो की रे भूत गाट्या तू यान को काम दुख देख रेड़ो देखियो ही को दी तू तो अजमेर जिलो रो कोई बजनाम कदे कियो नहीं है, कोई दान पुण्य तू करियो नहीं, कोई समाज ठिकाना ठांगणा में तू कियो को नहीं, तने क्या रोई क्यों देख मनी वास्ते रोई के जगाऊं कोई व्यवहार करियो ना, कोई करूं दो रुपया ले रहे यार ना बंदो दिया है शूज ऑफ ही कर लियो तो तन तो डोगरी ये तो की रोई मन पूरा जिलो रोई कभी की है इन वास्ते कहे भाई ध्यान की करनी नहीं करनो, करनी तो अच्छी भी करनो। एक वचन में आज डांगरी की रात है, एक गंगा मैया को भजन और भी के बाद में भाई साहब भगवान श्री राम जब 14 वर्ष को वनवास हुए और जंगल में चले जावे, जब रवाना हुआ अयोध्या उज्जैन की रवाना हुए तो गंगा नदी पार करना पड़े, गंगा नदी आ जावे तो केवट ने बुलावे और केवट ने कहे ए केवट आ जो नदी है इन्हें मने पार कराओ। केवट बोले भगवान हमने सुना है, मैंने सुना है कि जब पत्थर की अहिल्या आपके चरण सुनने से वो नारी बन गई तो भगवान मान तो लकड़ी की एक नावड़ी, अगर आ लुगावड़ती बन गई तो मारते एक दुआ कर बैठी है एक आऊ गई भगवान मैं आ जड़ू मैं तो बैठा हूं आपको ना हो। बोले प्रभु जब पत्थर की अहिल्या नारी बन गई
तो मेरी तो काट की ना हो बाबू, मैं आप कैसे नाव में बैठा हूं। क्या बटे बोले कि प्रभु पहले मैं आपके चरण दो चरण दोर मंगाली नावड़ती के छटो लगाऊ देखणिया मनाया घूमने भी के बाद में आपने क्या बटे प्रभु श्री राम के चरण दोते कुछ चरणों मत ले। भगवान ने अपनी नाव में बैठा करके और जब गंगा नदी पार करते हैं तो उस समय गंगा मैया से एक अरदास करे, हे माँ आज मेरे देखिए भाग्य है मैंने भगवान के दर्शन किए और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी नाव में मैं भगवान को पार करवा रहा हूँ। तो हे माँ अब जरा सा धीरे धीरे बहो। तो केवट गंगा मैया ने अरदास करे और केवट लागे मेरी नाव में मेरी नाव में ओ मेरी नाव में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण भगवान को भी भक्तों से काम पड़े जाना थक
मेरी मैया